नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल टॉक विद पुनीत में। फ्रेंड्स, आज के इस नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड भर्ती 2020 के बारे में। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की भर्ती है, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल के पदों पर आपकी भर्ती होगी। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना है और आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 अप्रैल 2020 है, तो इसी के बारे में आज मैं आपको दूंगा सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आपको दिखाएंगे सेंट्रल वाटर ग्राउंड बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी, ताकि आप समझ सकें इसकी पूरी जानकारी को और भर सकें इस फॉर्म को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं वो सभी आपको इजीली मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, केंद्रीय भूजल बोर्ड भर्ती 2020 के इस डिटेल्स को एक बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड ने जारी किया है इस नोटिफिकेशन को, और ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आता है। और इसका जो जॉब नेम है, यहाँ पर आपकी दो वैकेंसी है, एक है कंसल्टेंट की और दूसरी है यंग प्रोफेशनल की। और यहाँ पर टोटल पदों की संख्या 62 है। तो फ्रेंड्स, 62 वैकेंसी है यहाँ पर टोटल। और जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया जॉब है। यहाँ पर आपका नागपुर के अंदर वैकेंसी है, कोलकाता में है, पटना, रायपुर, भोपाल, इसके अलावा गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद और जयपुर और फरीदाबाद के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑल इंडिया जॉब है, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो जब बेसिकली अगर हम बात करें तो इस नोटिफिकेशन को 4 अप्रैल को रिलीज़ किया गया था और इसके जो फॉर्म के सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2020 है। तो 25 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो cgwb.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहीं अगर हम बात करें इसके वैकेंसी के डिटेल्स की, तो फ्रेंड यहाँ पे 62 वैकेंसी है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे कंसल्टेंट के पदों पर 14 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा वो 1 लाख तक का आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज मिल सकता है। और अगर हम बात करें यंग प्रोफेशनल वैकेंसी की, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 48 पदों पर भर्ती होगी। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा वो 45,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। और टोटल पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से हमारी 62 पदों पर यहाँ पे भर्ती होगी। वहीं अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कैटेगरिया की, तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफाइंड किया हुआ है, इसमें मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MSc किया है, MS कर रखा है, MTech और मास्टर ऑफ साइंस टेक से, इसके अलावा अगर आपने जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में और अर्थ साइंस में, इसके अलावा जियो साइंस में और हाइड्रोलॉजी में अगर आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ पर पूरा डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। साथ ही अगर हम एक्सपीरियंस लेटर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए 10 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन द फील्ड ऑफ ग्राउंड वाटर और हाइड्रोलॉजी में। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे यंग प्रोफेशनल के लिए कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। एक बार आप अप्लाई करने से पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दूंगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 30 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यंग प्रोफेशनल के लिए। साथ ही यहाँ पर कंसल्टेंट के लिए 65 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक बार एज लिमिट और रिलैक्सेशन के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर देख लीजिएगा। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए जो अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन मोड आपको इस फॉर्म को भरना होगा। 25 अप्रैल से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे पहुँच जाने चाहिए, जो एड्रेस अभी मैं आपको बताऊंगा आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो चलिए एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट के पदों के लिए जारी किया गया था। और बेसिकली इस नोटिफिकेशन को 4 अप्रैल 2020 को रिलीज़ किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर यंग प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंट के पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है, और इसी के बारे में ये आपको पूरा नोटिफिकेशन बताया हुआ है कि किस प्रकार से इसका वर्किंग प्रोसेस है और कैसे आपको क्या आपको करना पड़ेगा इस वैकेंसी के अंदर। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की बात करें तो फिर जैसा कि मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है वो है कंसल्टेंट के लिए, यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा हुआ है। अगर आपने MSc, MS, MTech, इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और इसके अलावा अगर आपने जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में, अर्थ साइंस में, जियो साइंस में, इसके अलावा हाइड्रोलॉजी में अगर आपने कर रखा है मास्टर डिग्री, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा हुआ है ग्राउंड वाटर में या फिर हाइड्रोलॉजी में अगर आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही यहाँ पे यंग प्रोफेशनल के लिए बेसिकली ग्राउंड वाटर के अंदर यहाँ पे भी मास्टर डिग्री मांगा हुआ है। सेम जो क्वालिफिकेशन आपका कंसल्टेंट के लिए है वही क्वालिफिकेशन है, बस यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे आपको नहीं देना है, किसी प्रकार का यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए, जो जैसा कि मैंने बताया था कि ये विभिन्न पदों में आपकी भर्ती होगी और सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नागपुर के अंदर अगर बात करें तो 5 वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल की और 1 है कंसल्टेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे कोलकाता के अंदर भी वैकेंसी है, पटना के अंदर वैकेंसी है, रीजन रायपुर में वैकेंसी है, भोपाल में है, गुवाहाटी में है, लखनऊ में भी वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 3 वैकेंसी, हैदराबाद में 5 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पे देख लीजिए आपका 62 पदों पर यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। 62 वैकेंसी है यहाँ पर यंग प्रोफेशनल की और यहाँ पे कंसल्टेंट की। सैलरी जैसे कि मैंने आपको बताया था तो कंसल्टेंट का सैलरी 1 लाख तक का आपका सैलरी होगा, वहीं यंग प्रोफेशनल में आपका 45,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहें आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये लिंक आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। एक बार अप्लाई करने से पहले ये पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे में यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके आपको इसे सेंड करना पड़ेगा और वो किस एड्रेस पर सेंड करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। कोई कहीं भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप और नीचे में आपको एड्रेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना है उस स्टेट में आपको इसको सेंड करना होगा, ये पूरा आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस भी ग्राउंड बोर्ड में आपको भर्ती चाहिए, एडमिशन चाहिए आपको यहाँ पे, तो आप इसको भर लीजिएगा, इसी एड्रेस पर आपको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा डिटेल इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरी आपको जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।